हेलो एवरीवन, देखते हैं आपके पार्टनर के लिए आने वाले 24 घंटे कैसे रहेंगे। आपके पार्टनर के कमिंग 24 आवर्स की एनर्जी कैसे रहने वाली है। क्या कुछ हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आज के दिन में। तो इस शफल डेक से हम लेंगे फर्स्ट कार्ड और वो आया है टेन ऑफ पेंटिकल्स। आज के दिन में आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस रिसीव हो सकती है। पैसे से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो बहुत अच्छा फायदा, फाइनेंशियल ग्रोथ इन्हें मिलेगी। इनकी फैमिली में किसी तरीके की खुशी का माहौल हो, किसी बच्चे के जन्म की भी एनर्जी है, किसी के नामकरण संस्कार में इनकी फैमिली आज के दिन में इन्वॉल्व हो। इवन कुछ चीजें शादी से रिलेटेड या शादी में हो सकती हैं, ठीक है। किसी के परिवार की एनर्जी अब आप देख लीजिए, ये खुद मैरिड है तो इनकी वाइफ हो सकती है, इनके हस्बैंड या इनकी फैमिली हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भरा पूरा परिवार है। और अगर ये आपसे मैरिड है तो ये इनके अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, और अगर ये आपसे मैरिड नहीं है, आपका रिलेशनशिप ही है, तो ये इनके हाँ पेरेंट्स और इनका पूरा परिवार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर एनर्जी तो ये है कि आपके पर्सन की लाइफ में आज के दिन में कोई पूजा पाठ, कोई नामकरण संस्कार हो, किसी बच्चे के बर्थ से रिलेटेड कुछ चीजें हो, इवन ये कोई नया घर ले रहे हैं तो उसमें प्रवेश करें। फाइनेंशियल अबंडेंस फैमिली में भी है, कुछ अच्छा जैसे कहीं लॉटरी लग जाती है या हम कुछ नया एड ऑन करने वाले हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कुछ नई चीजें, बड़े बड़े खर्चे हम कर रहे हैं, इस टाइप की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द चेंज। यस, ये जो एनर्जी आ ही रही थी तो चेंज का भी इंडिकेशन है। ये 10-10 की वाइब्स हैं। आज के दिन में आपके पर्सन की लाइफ में कोई चेंज आ सकता है गाइस। ये जो चेंज है कहीं ये रिलोकेट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। ये चेंज फाइनेंशियल अबंडेंस से रिलेटेड हो सकता है। स्पेशली कुछ अच्छा किया है तो वही चीजें इनके अच्छे कर्मास के जरिए रिवॉर्ड के रूप में इन्हें प्राप्त होंगी। नेक्स्ट वी हैव द डेविल। ओके, कुछ लोगों के पार्टनर आज के दिन में या कोई व्यक्ति इनकी तरफ फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो सकता है। या तो ये किसी के साथ टाइम पास करें, या फिर आपके पर्सन खुद किसी और की तरफ जाने की कोशिश करें या किसी और के साथ टाइम पास करने की कोशिश करें। डेविल एनर्जी है, ठीक है, जो फिजिकल रिलेशंस के लिए मशहूर है। इनके कुछ अगर अपने एडिक्शंस है, टॉक्सिसिटीज है, कुछ गलत ऐब है इनके अंदर, तो ये उन चीजों को आज के दिन में फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि पीना, खाना, स्मोक करना, ऐसे त्रिया चरित्र में इन्वॉल्व होना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, सबकी एनर्जी नहीं हो सकती, लेकिन जिनके पार्टनर ऐसे हैं उनके साथ रेजोनेट कर जाएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आज के दिन में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्लो एनर्जी इमोशन से काम करेंगे। अगर आपको हमेशा ऐसा लगता है कि ये एक्शन क्यों नहीं लेते, तो आज के दिन में या तो आपको सामने से नजर आएगा इनके एक्शंस में, ये कुछ ऐसी चीजें आपके सामने कर सकते हैं, या फिर इनडायरेक्ट वे में इनको समझ में आए कि ये बहुत लेट लतीफ है या चीजों को लेकर रेडी नहीं है। आज के दिन में ये अपनी बातों पर डिसीजन लेते लेते रुक जाए, कोई काम को खुद ही कैंसिल कर दें, ये भी वाइब्स है। लास्ट और देख लेते हैं, वो है जस्टिस। तो आपके पार्टनर की लाइफ में आज के दिन में कोई लीगल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और अगर ऑलरेडी चल रही है तो बैलेंस हो सकती है। ये आज के दिन में या तो आपको या किसी सिचुएशन में अपने घर वालों के साथ न्यायप्रिय सिचुएशंस को बना सकते हैं, मतलब ये न्याय दे, ये न्याय करें, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इनके हाथों से न्याय होगा, कोई पास्ट का कर्मा इनकी लाइफ में बैलेंस होगा। अब ये कर्मा का अलग अलग इफेक्ट पड़ सकता है, यहाँ पर साइकिल के कंप्लीशन की एनर्जी है। अगर ये कर्माज अच्छे हैं तो इनकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, और अगर ये कर्माज अच्छे नहीं है और सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉकेज है तो ये वाली एनर्जी में रेजोनेट करेंगे, ठीक है। किसी से मिलने जा रहे हैं, कुछ अलग हरकतें, कुछ अलग तरीके की चीजों में इन्वॉल्वमेंट, इस टाइप की एनर्जी है। सो गाइज, ये थी आपके पार्टनर की कमिंग 24 आवर्स की एनर्जी। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।